आओ कैसे हूँ? आओ हमारे साथ आओ, आओ हम बताते हैं, आओ इधर आओ जरा। ये किसने किया है? है साची, डाकू तो वो है। कहाँ? डाकू बैठा है ऐसा, कोई डाकू? मेरे बच्चों की रोजी खुल गई। जी राबू जब भी देता है छप्पड़ पाड़ के देता है। सर जी डाकू को मैंने पकड़ा है, इनाम मुझे मिलना चाहिए। वो अफसर तूने इसका बायां हाथ पकड़ा है, मैंने दायां हाथ पकड़ा है, और डाकू हमेशा वारदात दाएं हाथ से करते हैं, इसलिए इनाम मुझे मिलना चाहिए। नहीं सर जी, मुझे मिलना चाहिए, मैं अपने हक के लिए पूरा पूरा लड़ूंगा सर जी। अफसर, अफसर के सामने बोलता है, है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इनाम मुझे मिलना चाहिए। नहीं सर जी, मुझे मिलना चाहिए। देखे, 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 लड़े नहीं, लड़े नहीं आप। ऐसा करते हैं, टॉस कर लेते हैं, जो जीतेगा इनाम उसका। ये देखें जी जी, आप क्या मांगते हैं? ये जी, ये चांद मेरा है। आपका है? हाँ जी। ए लीजिए। बॉबी, वही पार्टी के बारे में सबको बता दिया? वो चाचू मैंने टाइम और दिन का तो नहीं बताया, मुझे पुप्पो ने कहा था कि पार्टी खुफिया रखनी है। बॉबी लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किस वक्त क्या आना है? पुप्पो जो जो मेहमान आते जाएंगे मैं उन्हें वक्त बताता जाऊंगा। इसकी बातें सुन सुन कर कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मुझ पर गया है। चाचू मैं तो मोटरसाइकिल पर गया था। सलमा को हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती थी कि मुझे अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रहती। आज की सरप्राइज पार्टी के बाद उसको यह शिकायत कभी नहीं होगी। वैसे चाचू इस बार भी तो मैंने ही आपको याद कराया, ये वैसे मर्दों को भूल क्यों जाती है उनकी शादी की सालगिरह? बेटा मछेरे ने जिस दिन सबसे बड़ी मछली को पकड़ा हो उसको वो दिन याद रहता है, पर मछली को नहीं। मैं तो किसी आसान से दिन शादी करूंगा ताकि मुझे शादी की सालगिरह याद रहे, मसलन 1 अप्रैल। वैसे मेरी शादी भी अपनी तारीख से 19 दिन बाद हुई थी, 20 अप्रैल को। शौकत तुम सलमा को शादी की सालगिरह पर क्या दे रहे हो? पिछली दफा तो सलमा ने तुम्हें रिंग दी थी। रिंग नहीं, सफरिंग दी थी, और पिछले 10 साल से दे रही है। अगर चाचू आपकी शादी को तो 4 साल हुए हैं। बेटा कोई मुझसे पूछे कि ये 4 साल मैंने कितने सालों में गुजारे हैं, मेरा दिल चाहता है कि अपनी सालगिरह के दिन 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करूं। क्यों? बड़े सालों की याद ऐसे ही मनाई जाती है। चाचू आपको अपनी शादी का कौन सा वाकया याद है? मेरी शादी ही वाकया थी। हाँ, लेकिन मेरी सास जो थी ना वो मेरी शादी के मुखालिफ थी, मैं ऐसे ही बेचारी के मुखालिफ समझता रहा। कितनी समझदार खातून थी वो। चाचू अपनी शादी पर सूट कौन सा पहना है, कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद है, मैंने स्याह सूट पहना था, ऐसे मौकों पर ऐसा ही रंग पहना जाता है, और अब मैं अपनी सालगिरह पर भी वही स्याह सूट पहनूंगा। मैं भी चाचू की सालगिरह पर वही सूट पहनूंगा जो इनकी शादी पर पहना था। उस वक्त वो सूट आपको बड़ा था और अब आपको छोटा हो गया। वैसे भी अगर आप चाहते हैं ना कि चाची को ऐन वक्त तक इस सरप्राइज पार्टी का ना पता चले तो आप साफ कपड़े ना ही पहनिएगा प्लीज। वैसे नहा धोकर नए कपड़े पहन लेना तो मोहल्ले में बच्चे अपनी माओ से ईद मांगना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सलमा को शक ना पड़े तो प्लीज आप नए कपड़े ना पहनना और ना मुंह धोना। बहरहाल मैं तो स्याह सूट ही पहनूंगा। यस, कितना मजा आएगा। क्या हो रहा है यहाँ? वो चाची हम आपकी शादी की सालगिरह की खुफिया पार्टी तो नहीं मना रहे हैं। शादी की खुफिया पार्टी? बॉबी तुम्हें कब अकल आएगी? वो मेरा मतलब है कि सलमा वो मेरी एक दोस्त है, उसका खाविंद उसकी शादी की सालगिरह पर उसको सरप्राइज पार्टी दे रहा है। लोगों के शोहर कितने अच्छे होते हैं। हाँ दूसरों के खाविंद हमेशा अच्छे लगते हैं ना। वो मेरा मतलब है कि इस बार तो चाचू भी वो चाचू को तो शादी की सालगिरह का दिन याद ही नहीं रहता। हाँ देखती हूँ, अगर इस बार भी उसे याद नहीं रहा ना तो फिर। फिर क्या? तो फिर मैं देख लूंगी, बताऊंगी उसको।
इस बार तो चाची खुश हो जाएंगी। हेलो यंग मैन। क्या बात है? तुम्हें देखो मुझ पे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही आज। लगता है आज आपकी तबीयत खराब है। क्या? अच्छा बताओ ना। क्या? छोड़ो, आज क्या तारीख है? आज 22 अप्रैल। नहीं 22 नहीं, आज 20 अप्रैल। 20 अप्रैल फिर आ गई, एक तो हर रोज 20 अप्रैल आ जाती है। तुम्हें 20 अप्रैल का दिन याद नहीं है? याद करो शौकी, आज के दिन कौन सा अहम वाकया हुआ था? आज के दिन जापान में जलजला आया था और चीन में सैलाब आया था और रूस में अपना आग लगी थी और अमेरिका में क्लिंटन आया था। मैं दुनिया की नहीं अपने हाँ की बात पूछ रही हूँ। अपने पाकिस्तान की बात? हाँ, आज के दिन ट्रेन का हादसा हुआ था और बहुत सारे बेचारे लोग मारे गए थे। आज के दिन कोई अच्छा वाकया नहीं हुआ था क्या? आज के दिन कोई अच्छा वाकया हाँ हुआ था। उस दिन ना पाकिस्तान ने क्रिकेट का मैच जीता था। हद हो गई, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो ये तो याद होगा ये सूट तुमने पहली बार कब पहना था? जिस दिन मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी। इट इज टू मच। तुम्हें याद नहीं है आज हमारी शादी की सालगिरह है? आज के दिन का हर ऐरा गैरा वाकया तुम्हें याद है लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी, समझे तुम? मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ के और तुम जैसा बेहिस शौहर छोड़ के। देखिए सलमान यार, सलमान मेरी बात सुनो, सलमान सलमान। यही तो है फैमिली फ्रंट। ओ शौकत, तुमने सलमा को जाने क्यों लिया? तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुमने पार्टी अरेंज की हुई है सरप्राइज? आपा आपने खुद ही कहा था कि उसे बताना नहीं है। आपा मत कहो शौकत, तुम मुझे नुसरत क्यों नहीं कहते हो? अब मैं कोई इतनी ज्यादा तो तुमसे बड़ी नहीं हूँ। तो आप चाचू से 7 साल बड़ी है ना? अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, मैं तो शौकत से सिर्फ 6.5 साल बड़ी हूँ। चाचू, वेडिंग एनिवर्सरी की खुफिया पार्टी देने का आइडिया मेरा था। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें खावंद अपनी बीवी को प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहता था। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें भी यही हुआ था, बीवी खावंद को छोड़ के चली गई थी। खावंद की बजाय बीवी ने प्लेजेंट सरप्राइज दे दिया था। मैंने तो इतने मेहमानों को दावत पे बुलाया, उनका क्या बन गया? वो जो शादीशुदा होंगे उन्हें तो खुद पता चल जाएगा और जो बाकी होंगे उन्हें हम बता देंगे। मेरी चाची कहाँ चली गई होंगी? अच्छा मैं सोचता हूँ। वो गुस्से में गई है, सोचकर थोड़ी गई है जो सोचने से पता चल जाए कि कहाँ गई है वो। हाँ वो बहुत गुस्से में गई है, कहीं को गलत कदम ना उठा ले। चाचू वो गलत कदम तो उठा ही नहीं सकती, वो तो गाड़ी पे गई है जबकि कदम तो पांव से उठाया जाता है। चाची होंगी, अल्लाह करे वही हो। आपका वेट कर रहे हैं। वेट इसे आप आइए भाई, सर जी का वेट इतना तो नहीं जितना लगता है। सर जी अंदर से बहुत स्मार्ट है, ये तो वर्दी का रोब है, ऐसी वर्दी किसी किसी अफसर को सजती है। शुक्रिया अफसर, वैसे तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो। काका भाई तुम बड़े घबराए हुए हो, सेब का मुरब्बा खाया करो। वो चाची लड़के तो नहीं घर से चली गई? घर में लड़ाई हुई है। इधर का माहौल भी बिल्कुल अपने घर जैसा है। कैसे? डाको डाक ओए अफसर, डाल इनके घरे में हार भाई, आपको शादी की बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। भाई हमें पहले मुखबरी हो गई थी। वो चाचू मैंने तो नहीं दावत दी थी, परजाई को बुलाएं जी, ये हार उनके लिए है। सर जी ने देखे बिल्कुल ताजा नोटों से बनवाया है ये। सर जी का सलामी देने का अपना ही अंदाज है, ये बड़े बड़े अफसरों को ऐसे ही सलामी देते हैं। तो परजाई का है? परजाई? वो तुम्हारी चची को भरजाई कह रहे हैं। शौकत तुमने सलमा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। कौन गायब हुआ है? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है अफसरों को बताए बगैर गायब होना। सर जी को बताए बगैर तो मैं आज तक इधर से उधर नहीं हुआ। वैसे सर जी अगर आप इजाजत दें तो मैं इधर से उधर हो जाऊं। भाई वो परजाई को बुलाएं, हम उन्हें मुबारकबाद दें। अगर आप खाने की जिद करेंगे तो हम खा लेंगे, जल्दी कर दें। देखिए जी डाके का टाइम हो गया है, मेरा मतलब है कि डाकुओं को पकड़ने का टाइम हो गया है। सर जी जब तक 2-4 डाकुओं को ना पकड़ लेना, इनको खाना हजम नहीं होता है।
भरजाई कहाँ है? वो लड़के बाहर तो नहीं गई? वो बच्चा दरअसल ऐसे ही कह रहा है, सलमा तो ऊपर है। सारी बैठ जाए, भरजाई तैयार हो रही होंगी। अच्छा, अभी आपने केक भी काटना है। सर जी को शादी की बर्थडे का केक काटने का बहुत शौक है, खाने का नहीं है। नहीं, अगर कोई जिद करे तो खा भी लेता हूँ। सर जी की केक काटते हुए तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। इनका मुंह बहुत ही फोटोजेनिक है। अफसर, सरकारी राज बाहर ना खोला करो। सर जी, आपको प्यास लगी होगी, आपके लिए ठंडा शरबत मंगाऊं चाय से पहले? शरबत का बंदोबस्त हो जाएगा। सर जी और ले लें। लो भाई, शुक्रिया। शरबत खत्म हो गया है। सर जी जैसे जवान को एक जग शरबत क्या कहता है भला? सर जी, कहीं वो हारों वाला ना आ जाए। वो भरजाई को ऊपर से बुलाएं, हमारे तो हार भी थक गए हैं। इतनी ऊपर तक मेरी पहुंच नहीं है, दूसरे सलमा को कहो नीचे आ जाए। चाची आ गई है लगता है। हैं? परजाई हारन देकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। अल्लाह करे सलमा ही हो। देखो ना। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो। भाई, वो रास्ते में देखा मैंने सलमा भाभी को, बड़ी तेजी से शाहराह कायदे आजम पर मुड़ रही थी। मुड़ रही थी? वो मुड़ने वाली नहीं है, वो नहीं होगी। पर वो तो ऊपर है, आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ऊपर है वो। हमारी इतला सरकारी है, हमें आते ही मुखबरी हो गई थी। हाय, मैं मर गई। खैर ये तो है, यहाँ पे पुलिस। वैसे जब तक घर में चोरी ना हो जाए, सर जी अपने घर नहीं जाते हैं। पर जब बॉबी ने फोन करके बताया ना कि खुफिया किस्म की पार्टी है, तो सर जी ने कहा कि चलो चलते हैं, शिरकत की शिरकत हो जाएगी और ड्यूटी की ड्यूटी। भाई, मुझे तो वो खतून बिल्कुल सलमा लगी। उसने मैरून कलर का सूट पहना हुआ था, कानों में बुंदे थे, गहरे रंग का मेकअप किया हुआ था। हाँ हाँ, वो ना सलमा की हम शक्ल है। मुझे कई मरतबा धोखा हो जाता है, जब मेरी सलमा से शादी तो मुझे भी यही धोखा हुआ था। अगर वो चाची की हम शक्ल है तो उसे ले आते हैं, फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। क्या मतलब, सलमा कहाँ है? भाई वो बताया ना कि वो ऊपर है। ये देखें, परजाई के लिए हम भी हार लेके बैठे हुए हैं। कितनी देर से देखें इंतजार कर करके, अब तो ये नोट भी मुरझा गए हैं।